जब बात हो एक मिड साइज एसयूवी लेने की या फिर किसी को सजेस्ट करने की, तो एक ऐसा नाम जो सभी के माइंड में आता है वो कौन सा है? Hyundai Creta। और न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट का Hyundai ने ना सिर्फ डिजाइन चेंज किया है बल्कि इसको टेक इन फीचर्स से भी काफी अच्छे से लोड कर दिया है। बाकी रही बात कंफर्ट की, तो ये पहले भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी, लेकिन हमारा फोकस इस वीडियो पे इस चीज के ऊपर है कि न्यू फेसलिफ्टेड Hyundai Creta कितना देती है। और ये जानने के लिए हमने इसका एक प्रॉपर फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट किया है। तो हमें तो ये बात पता है कि ये कितना देती है, लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये कितना देती है। और अगर आप बिना स्किप करे देखोगे तो आपको ऐसी पांच बातें भी बता दूंगा जो कि इसमें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और ऐसी पांच बातें जो इम्प्रूवमेंट मांगती हैं और इतनी अच्छी नहीं लगेगी शायद आपको। तो Creta के एक्सशोरूम प्राइसेस 11 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख 15 हजार रुपए तक जाते हैं। डिजाइन वाइज नई Creta पिछली वाली से काफी बेटर लगती है। न्यू फ्रंट प्रोफाइल मिलती है कनेक्टेड DRLs के साथ, और नया रियर प्रोफाइल भी है कनेक्टेड टेल लैंप्स के साथ, और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी सीक्वेंशियल हैं। 17 इंच अलॉय रिम्स हैं, लेकिन साइड प्रोफाइल मोर और लेस सेम ही है। इंटीरियर्स में नया डैशबोर्ड आपको मिलता है, ड्यूल स्क्रीन सेटअप है अब आपके पास जिसमें 10.25 इंच के डिजिटल डायल्स हैं और 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी। एंड थैंक्स टू दिस लाइट कलर स्कीम इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम भी लगता है। आपको न्यू Creta में तीन इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन जिसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। दूसरा है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जिसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल या फिर IVT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। और तीसरा है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जिसके साथ आपको Creta में सिर्फ 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि अगर आपको मैनुअल चाहिए तो आपको N लाइन में अपग्रेड करना पड़ेगा। Hyundai क्लेम करती है कि आपको न्यू Creta 17.4 kpl से लेकर 21.8 kpl तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा इंजन और गियरबॉक्स का ऑप्शन चूज करते हो। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड IVT वेरिएंट को, जिसका ये IVT aka CVT गियरबॉक्स काफी स्मूथ है और रोजाना सिटी कम्यूट्स के लिए अच्छा है, और Creta की राइड भी काफी कंफर्टेबल है। थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे है तो जो रफ पैचेस होते हैं, जो पॉट होल्स होते हैं हमारी टिपिकल इंडियन रोड्स पे, उनको काफी अच्छे से मैनेज करती है। रेयरली ही ऐसा कोई इंस्टेंस होता है जिसमें जो जोल्ट या फिर थर्ड होता है वो कैबिन के अंदर ट्रांसफर होता है। Creta का स्टीयरिंग भी आपको काफी अच्छा लगेगा, डायरेक्ट है, और जब आप सिटी में इसको यूज करोगे तो बहुत लाइट है जिससे इसको मैन्यूवर करना काफी ज्यादा ईजी है। लेकिन जब आप हाईवेज पे जाके थोड़ी सी स्पीड ग्रैब करते हो ना तो इसमें आपको अच्छा वेट मिलता है, तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा मिलता है। आई विश कि इसमें फीडबैक और ज़्यादा होता। अब रही बात क्लेम की, तो Hyundai क्लेम करता है कि इस पावर ट्रेन के साथ यानी कि 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल प्लस IVT गियरबॉक्स के साथ ये आपको 17.7 kpl की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। और अब आइए उसको टेस्ट करके देखते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम एक प्रॉपर वाला फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं जिसमें हम सबसे पहले फ्यूल टैंक को फुल करवाते हैं एकदम ऊपर तक, और फिर उसके बाद हम ट्रिप मीटर को रीसेट कर देते हैं। उसके बाद हम कार को ड्राइव करते हैं सिटी में लगभग 100 किलोमीटर, जिसके बाद हम इसको दोबारा से रिफ्यूल कराते हैं और देखते हैं कि इसने कितना फ्यूल यूज़ किया और कितनी माइलेज हमें दी है। अगेन हम इसको हाईवे पर ड्राइव करते हैं 100 किलोमीटर से ज़्यादा, और फिर देखते हैं कि इसने कितनी फ्यूल एफिशिएंसी हमें दी है और कितना पेट्रोल इसने यूज़ किया है। लेकिन आपको फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट के रिजल्ट्स बताने से पहले, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जान लीजिए। तो सबसे पहली चीज जो कि आपको Creta फेसलिफ्ट में पसंद आएगी वो है ये आपका ड्यूल स्क्रीन सेटअप। ये थोड़ा सा कर्व्ड है, हाँ इसमें बीच में थोड़े बड़े बड़े बेजल्स हैं जिससे ये पता चलता है कि ये कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कहीं से भी ये ऑड नहीं लगता, काफी प्रीमियम फील देता है ये पूरे के पूरे डैशबोर्ड को। इसमें आपको मैप और नेविगेशन आपके इनबिल्ट मिलते हैं, ओवर द एयर अपडेट्स भी मिलते हैं इसमें आपको। सेकंड पॉइंट देखिए, 360 डिग्री कैमरा एक ऐसा फीचर है जो कि आजकल काफी नॉर्मलाइज होता जा रहा है, लेकिन Creta में आप इसके 360 डिग्री कैमरा को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करोगे क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है ये फॉर नेम से 360 डिग्री कैमरा नहीं है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, और जो इसका यूजर इंटरफेस है वो भी आपको काफी अच्छा लगेगा। Alongside that, इसमें आपको लेन वॉच कैमरा भी मिलता है, और उसके साथ साथ ये मत भूलिएगा कि इसमें आपको ADAS फीचर्स भी मिलते हैं। ये लाइट कलर स्कीम प्लस पैनोरामिक सनरूफ इस पूरे के पूरे केबिन को काफी एयरी फील देती है, और उसके साथ में जो आपकी ड्राइवर सीट है इसको आप पावर एडजस्ट कर सकते हो। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती क्योंकि Creta का केबिन काफी ज्यादा स्पेशियस है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ सेकंड रो सीट पे बैठा हूँ और यहाँ पे देखो मेरे पास कितना ज्यादा नी रूम है, इवन दो जो ड्राइवर सीट है वो बिल्कुल पीछे है। हेडरूम की आपको कोई कमी नहीं लगेगी, और पैर स्ट्रेच करने के लिए भी लेग रूम आपके पास बहुत अच्छा है। फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है तो लेग रूम शेयर करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ पे आपको ये बढ़िया से कुशन भी मिलते हैं, और हाँ इन सीट्स का रिक्लाइन भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपके मोबाइल के लिए, रियर AC वेंट्स, और हाँ भूल मत जाना सनशेड्स। फोर्थ, इसमें आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है, और उसके साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर बल्कि और चंग की बड़े बड़े स्विचेस में
फिजिकल कंट्रोल्स मिल रहे हैं, तो आप ड्राइव करते हुए भी इनको यूज कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसकी राइड क्वालिटी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और उसको कॉम्प्लीमेंट करता है इसका बहुत ही अच्छा NVH। बाहर की नॉइज़ होती है वो आपको इतनी ज़्यादा सुनाई नहीं देती, एयर नॉइज़ इतनी ज़्यादा केबिन में आती नहीं है, टायर नॉइज़ थोड़ी बहुत आती है लेकिन वो हायर स्पीड्स पे आती है, जिसका मतलब ये कि जब आप इसमें लॉन्ग जर्नीज करोगे या फिर अपना डेली सिटी कम्यूट भी करोगे ना, तो आप काफ़ी कम्फर्टेबल रहोगे। सबसे पहली चीज़ जो इसमें बेटर होनी चाहिए थी वो है ये डैशबोर्ड। देखिए, ये इवन दो आपको प्रीमियम दिखता है लेकिन इसमें काफ़ी प्लास्टिक ही फील है। ये पोर्शन आपको रबर जैसा टेक्सचर देता है लेकिन ये भी प्रॉपर प्लास्टिक है। कंपटीशन में आपको डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है जो एक्चुअली ज़्यादा प्रीमियम वाली फीलिंग देता है। सेकेंड है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। अब आप सोचोगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि प्रडा जो कि इतनी ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, इतने ज़्यादा टेक एंड फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं, लेकिन इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन को वायरलेसली कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको वायर यूज़ करनी पड़ेगी अगर आपको एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करना है तो। और हद तो तब होती है जब आपको पता चलता है कि जो लोअर वेरियंट्स हैं उसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है छोटी स्क्रीन्स के साथ। आई मीन कम ऑन यार Hyundai, ये चीज़ आपको फिक्स कर लेनी चाहिए अभी तक तो। देखिए, क्रेटा में आपको 8 स्पीकर प्रीमियम Bose साउंड सिस्टम मिलता है जिनकी क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, बट द पॉइंट टू नोट इज़ कि जब आप आगे बैठोगे तो आप म्यूज़िक को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे, लेकिन जो लोग पीछे बैठेंगे ना उनको शायद इतना मज़ा ना आए क्योंकि जो पीछे के स्पीकर्स हैं वो इतने ज़्यादा लाउड नहीं है। भले ही क्रेटा की रियर सीट्स वाइड है और फ्लोर का जो हम्प है वो भी काफ़ी छोटा है, लेकिन मिडिल पैसेंजर के लिए क्रेटा इतनी कम्फर्टेबल नहीं है क्योंकि जो कॉर्नर वाले पैसेंजर्स हैं उनको तो मस्त यहाँ पे कुशन मिल रहा है हेडरेस्ट के साथ, लेकिन यहाँ पे देखो हेडरेस्ट भी नहीं मिल रहा, और ये जो थोड़ा सा आपका आर्म रेस्ट बाहर की तरफ निकलता है ना वो भी उसकी बैक को इतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो यस, आप ये कह सकते हो कि ये जो सेकेंड रो सीट है ये दो लोगों के हिसाब से बनाई गई है, हालांकि तीसरा टाइम टाइम पे यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है लेकिन छोटी जर्नी इसके लिए। क्रेटा की ड्राइविंग डायनेमिक्स पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अभी भी उतनी स्पोर्टी नहीं है, और भले ही सिटी में ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है जो कि क्रेटा की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन हाईवे पे ड्राइव करते समय ना इसका सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा उछलता है जो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को इतना कम्फर्टेबल ना लगे। 17.7 KPL की फ्यूल एफिशिएंसी का क्लेम था Hyundai का, लेकिन जब हमने इसको सिटी में टेस्ट किया तो इसने हमें फ्यूल एफिशिएंसी दी 10.31 KPL की, जो कि डिसेंट है कंसिडरिंग कि मुंबई का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, और जब हमने इसको हाईवे पे टेस्ट किया तो इसने हमें फ्यूल एफिशिएंसी दी 13.78 KPL की, जो कि कितने डिसेंट है और कितने नहीं इस चीज़ के ऊपर डिबेट करते हैं, कॉमेंट सेक्शन में आ जाइए। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैंशन करना चाहूँगा, अगर फ्यूल एफिशिएंसी आपका पहला इंटरेस्ट है तो आप लोग मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा या फिर टोयोटा हाईराइडर को भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। आई होप कि आपको Hyundai Creta फेसलिफ्ट का फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक छोड़ना मत भूलिएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगला हमें किस गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करना चाहिए वो भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब अगर आप बोर हो रहे हो तो यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियोस देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप लोग मिस ना कर दें। आप लोगों से मुलाकात होगी ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ड्राइव सेफ करिए, सीट बेल्ट यूज़ करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।